नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल ए बी क्लासेस में दोस्तों आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट जो समूह है वो तेरहवा समूह कहलाता है पी ब्लॉक का तो उसके जो तत्व हैं उनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उनके तत्वों के जो संकेत हैं परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन से हैं और उनका जो संकेत किस प्रकार से और इनको याद कैसे करना है इन तत्वों को उसको भी जानेंगे तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए चलते हैं वीडियो की ओर तो देखते हैं कि सबसे पहले पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व कहलाते हैं जो पी ब्लॉक में उपस्थित होते हैं जैसे हम पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी देखते हैं इसके बाद आगे चर्चा करेंगे तो ये हमारा है पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से हमारा ये पीरियोडिक टेबल है और यहाँ पे ये पूरा एस ब्लॉक है ये पूरा जो डी ब्लॉक कहलाता है इधर पूरा ये पी ब्लॉक कहलाता है और इसके नीचे जो है यह ब्लॉक कहलाता है तो ये पूरा डी ब्लॉक है यहाँ पे पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में हम तैयारवे समूह की बात करेंगे आज कि बो इसमें जो तत्व तो हैं बोरान है एल्यूमिनियम है गैलियम है इंडियम है और थैलियम है इसके बारे में हम बात करेंगे ये तैयारवा समूह कहलाता है पी ब्लॉक का फर्स्ट समूह कहलाता है तो इसके ये जो तत्व हैं इनके बारे में हम बात करेंगे तो चलते हैं देखते हैं बोरान बोरान जो हमारा फर्स्ट समूह है अब इसको याद कैसे करना है थोड़ी सी रफ़ कर लेंगे इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसको याद करने का एक ट्रिक है याद करने का ट्रिक क्या है ट्रिक है कि बैगन आलू गाजर इन थैला ये ट्रिक है बहुत ही सरल ट्रिक है कि बैंगन और आलू जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो बैगन आलू और गाजर को थैला के अंदर रखते हैं इन मतलब होता है अंदर तो बैगन आलू गाजर को हम थैला के अंदर रखते हैं तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे इसका हो गया बोरान हो गया बी से बोरान आलू मतलब ए एल हो गया एलुमिनियम हो गया गाजर हो गया तो ये गैलियम हो गया आयन से हो गया इंडियम हो गया और थैला से हो गया थैलियम इस प्रकार से इसके ये तत्व हो गए अब इसको याद करने का जो इसके परमाणु क्रमांक कौन कौन से हैं उसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं तो इसको भी देखेंगे हम एक बार पढ़ चुके हैं कि इसमें जो भरने वाले तत्व के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो आठ आथ, आठ आथ, अठारह अठारह बत्तीस इस प्रकार से भरे जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ये है ये वर्ग दो का है और यहाँ पे हम भरेंगे तो सबसे पहले भरेंगे पांच परमाणु ठीक है ये हो गया पांच Osionfish. अब पाँच में यदि हम आठ जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है तेरह तो ये हो गया तेरह फिर इसमें कितना अठारह जोड़ना है हमें तो अठारह में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इकतीस और इसमें अठारह जोड़ देंगे फिर तो हमारा हो जाएगा उनचास और फिर इसमें हम बत्तीस जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इक्यासी इस प्रकार से हमारे ये परमाणु क्रमांक हो जाते हैं इन तत्वों को याद करना बहुत ही आसान है और इस प्रकार से निकाल भी सकते हैं अब इनका हम ये जानेंगे कि इनका जो ये संकेत हो गया परमाणु क्रमांक हो गया अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर देखते हैं कि किस प्रकार से करना है ये बोरान हो गया बोरान का जो संकेत है वो बी होता है परमाणु क्रमांक पाँच होता है हम पहले पढ़ चुके हैं पर अभाव का सिद्धांत अभाव का सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के उसमें बहुत ही कार्य अच्छा कार्य करता है और बहुत अहम भूमिका निभाता है तो चलते हैं अब बाव का नियम थोड़ी से देख लेते हैं ये हमारा बहु का नियम है पहले वन एस में भरता है फिर टू एस में हमारे जो पिछले वीडियो बने हुए हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं तो यहाँ पे टू पी हो गया थ्री एस हो गया और इस प्रकार से ये पूरे थ्री पी फोर एस फिर थ्री डी भरता है फिर फोर एस में फिर फोर पी में फिर फाइव एस में इस प्रकार से ये भरते हैं और यस में जो दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं पी में छः और डी में दस और एफ में चौदह तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अब चलते हैं कि इसमें कहा है कि परमाणु क्रमांक इसका जो है वो पाँच है तो पाँच है परमाणु क्रमांक तो इसको भरना कैसे है पहले वन एस में भरना है फिर टू एस में फिर टू पी में फिर थ्री एस में तो वन एस टू हो जाएगा वन एस टू फिर टू एस टू हो जाएगा और टू पी वन हो जाएगा क्योंकि ये जो है हमारा लास्ट में पी वन आएगा क्योंकि जो पी ब्लॉक का ये फर्स्ट वर्ग है ठीक है ना समूह तेरह का तो इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर दूसरा है इसका आएगा वन एस टू फिर टू एस टू फिर टू पी वन टू पी सिक्स हो जाएगा इसके बाद हो जाएगा थ्री एस टू इसके बाद हो जाएगा थ्री पी वन हो जाएगा अब इसको गिन लीजिए दो चार चार दो न चार छः चार दस दो बारह एक तेरा तो ये हो गया तेरा इसका परमाणु क्रमांक तेरा है तेरा इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं इसके बाद जो गैलियम का है गैलियम कास परमाणु क्रमांक होता है जीए इसका होता है परमाणु संकेत होता है अब इसको करना है तो इसको भी करेंगे अब भाव के नियम से करेंगे तो सबसे पहले वन एस टू करेंगे क्योंकि इस प्रकार से भरते हैं तो अपन इस प्रकार से वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू ऐसे भरते जाएंगे तो वन एस टू टू एस टू हो गया टू पी सिक्स हो गया फिर थ्री एस टू हो गया फिर थ्री पी सिक्स हो जाएगा फिर इसके बाद फोर एस टू हो जाएगा फोर एस टू हो जाएगा फिर थ्री डी टेन हो जाएगा थ्री डी टेन हो जाएगा फिर हो जाएगा फोर पी वन हो जाएगा ये हो गया पूरा दो दो नौ चार छः चार दस दो बारह छः अठारह दो बीस और दो बीस हो गया बीस दस तीस हो गया और एक इकतीस हो गया तो ये हो गए इकतीस परमाणु क्रमांक इस प्रकार से इसके ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए क्वेश्चन सिंपल आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं भाव के नियम से अबाव अब का नियम यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कृपया हमारे प्ले में जाके वीडियो देख लीजिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इंडियम का इंडियम का परमाणु क्रमांक होता है उनचास क्योंकि इसमें अठारह जोड़ते हैं तो उनचास आता है तो चलते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सबसे पहले वन एस टू आएगा फिर टू एस टू आएगा टू पी सिक्स आएगा थ्री एस टू आएगा फिर थ्री पी सिक्स आएगा फिर फोर एस टू में इलेक्ट्रॉन भरेगा फिर भरेगा थ्री डी टेन में भरेगा फिर फोर पी सिक्स में भरेगा इसके बाद यहाँ तक तो हो गया इसके बाद यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें भरेंगे फोर पी सिक्स हो गए इसके बाद फाइव एस टू होगा ठीक है तो फाइव एस टू कर लेंगे अपन फाइव पी एस टू हो जाएगा फाइव एस टू के बाद अपन क्या करेंगे फोर डी टेन में करेंगे फोर डी टेन और फाइव पी वन में करेंगे इस प्रकार से इसके उनचास इलेक्ट्रॉन हो गए नेक्स्ट अपन करेंगे थैलियम का थैलियम का परमाणु क्रमांक होता है इक्यासी क्योंकि इसमें बत्तीस जोड़ते हैं तो इक्यासी हो जाता है तो चलते हैं इसका भी करते हैं इसमें वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी टेन और इसके बाद फोर पी सिक्स फाइव एस टू फोर डी टेन और फाइव पी वन फाइव पी सिक्स यहाँ तक वन तक ये हो गया एंडियम का इसके बाद आगे हो जाएगा फाइव पी सिक्स हो जाता है इसके बाद हो जाता है सिक्स एस टू हो जाता है सिक्स एस टू के बाद हो जाएगा फोर एफ फोरटीन हो जाएगा इसके बाद फाइव डी टेन हो जाएगा और इसके बाद सिक्स पी सिक्स पी वन हो जाएगा इस प्रकार से ये पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं इस इस तरह इसमें पूरे थैलियम में ठीक है तो ये बहुत ही सिंपल है और अपन साधारण तरीके से इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख चुके हैं कोई दिक्कत यदि हो तो कृपया आप वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए अब ये भी देखेंगे इसका कि याद करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए आप दूसरा भी दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं देखिए इसमें बोरान है तो बैगन आलू गाजर इन थैला ठीक है बो बोरान और एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थैलियम बहुत ही सिंपल है इसको याद करने का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो पी ब्लॉक के फर्स्ट तत्व तो ये वर्ग एक था मतलब तैरहवाँ समूह अब चौदहवा समूह को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार कीजिए यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्यवाद